नमस्कार, स्वागत है आपका एक और अनबॉक्सिंग में। गर्मी बहुत तेज़ है। आप सभी से दिल से एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा दूर नहीं तो अपने आसपास के इलाकों पर पेड़ पौधे लगाइए और ऐसे छायादार पेड़ लगाइए जहाँ पक्षियों को, स्ट्रीट डॉग्स को और सड़क पर चलती हुई गायों को इनको आराम मिल सके। यार बंदर परेशान हो रहे, मानती हूँ बहुत सारी वीडियोज़ में गुस्सा होती थी, बट लिटरली यार पेन होता है इन सबको ऐसे देख कर। ये अनबॉक्सिंग काफ़ी शानदार है। प्लांट तो सारे ही मुझे लग रहा है अच्छे हैं, बिकॉज पैकेजिंग एक टूट गया। अच्छा कहते कहते एक टूट गया। तो ये जो पैकेजिंग है, ये पार्सल है, इसकी जो डिटेल है जिनसे मैंने मंगाया है सिंजी, इनका कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल जो है वो उस कमेंट बॉक्स के अंदर उसमें डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, तो आप उनसे जाके ले सकते हैं। बिकॉज हर तरीके के प्राइस जो है प्लांट की वो बहुत ही लो है। नॉर्मल नर्सरीज पर भी आपको ये प्लांट नहीं मिलते इस प्राइस के अंदर, और इनके प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ से स्टार्ट हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो है प्लांट, ये बल्ब वाला दो प्लांट थे तो बल्ब मैंने मंगवाए थे वो भी हैं, बिकॉज ये कुछ डिफरेंट शेड ऑफ फ्लावर था तो इसका मंगवाया है। एक ये है और ये अरम है, ब्लैक अरम है। तो ये सारी कटिंग्स हैं 10 रुपीज़ से स्टार्ट हैं सभी की। तो पैकेजिंग में एक के बाद एक आपको खोल के दिखाऊंगी। पैकेजिंग सभी की अच्छी है। देखिए, पहले पेपर में रैप है, उसके बाद एक पॉली बैग में रैप है, और फिर कोकोपीट के अंदर इसकी रैपिंग की हुई है। कुछ इसमें बल्ब वाले प्लांट हैं और कुछ जो हैं दूसरे तरीके के फ्लावरिंग प्लांट हैं। और ये लिलीज़ हैं, ये भी बल्ब वाली लिलीज़ ही हैं, जिनकी इमेजेस वगैरह जो है वो साथ के साथ मैं डाल दूँगी, बिकॉज़ उन्होंने मुझे प्लांट के साथ विद प्राइस उनके जो टैग्स थे वो कुछ इमेजेस शेयर करी थी, तो वही मैंने सेलेक्ट किए थे। तो वो मैं साथ के साथ जस्ट फॉर एक आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के प्लांट जो हैं वो ऑर्डर किए थे और जो मेरे को मिले हैं वो आपके सामने। प्लांट सारे ही बहुत अच्छे हैं, अब बस इनको ओपन करके इनकी रूट्स देखनी बाकी है। ये फ्लावर है कुछ इस तरीके का, बट अभी ये बहुत टिंगी फ्लावर है तो इसका शेड मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। इसके दो बल्ब हैं शायद ओपन करके, बिकॉज मैं अभी कुछ भूल गई हूँ। ये 8-10 प्लांट थे, 4-5 तो इसमें बल्ब वाले थे और 4-5 जो हैं रूटेड प्लांट्स थे, और सारे फ्लावरिंग वाले प्लांट्स थे। बट अभी समर को देखते हुए ना ये थोड़ा डैमेज हो गया यहाँ से। ये समर को देखते हुए डैमेज नहीं हुआ, ये मुझसे ही डैमेज हुआ है। और गर्मी बहुत तेज़ है तो इनको सेव रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ये कागज़ के अंदर जो है इन्होंने पॉली बैग में और थोड़ी सॉइल और थोड़ा कोकोपीट मिक्स है शायद, इसको खोल के देखते हैं। इसमें बर्ड्स आ रही है अंदर। पैकेजिंग बहुत अच्छी है। ये एक बल्ब है और ये इनका सेकंड बल्ब है। ये मैंने फ्लावरिंग बल्ब खोले जो मैंने ऑर्डर किए थे। इसका शेड मैं यहाँ पे सब में लगा दूँगी साथ में कि कौन कौन से ये थे, तो एक आइडिया हो जाएगा आप लोगों को कि मैंने क्या शेड जो है बल्ब वो ऑर्डर किए। बल्ब को भी उन्होंने पूरा पैकेजिंग के साथ डाला, बिकॉज पार्सल में कहीं भी गर्मी की वजह से ये डैमेज हो जाते हैं, उससे सिक्योर करने के लिए। बहुत ही अच्छी पैकेजिंग के साथ इन्होंने मुझे भेजा है। पैकेजिंग देखकर इतनी खुश हूँ कि प्लांट इतनी तेज़ गर्मी, जहाँ इतनी तेज़ गर्म वेव्स चल रही हैं, हीट वेव्स चल रही हैं, उसके बावजूद भी पैकेजिंग जो है वो इतनी अमेजिंग थी कि प्लांट मुझे बहुत अच्छे रिसीव हुए हैं। सेकेंडली ये बल्ब्स हैं, सबके प्राइस और पिक्स यहाँ पे लगा दिए, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। मतलब इनका जो प्राइस रेट है वो नॉर्मली अभी तक जो मैंने देखा उस सबसे इनकी प्राइस बहुत कम है। और ये जो बल्ब्स हैं देख लो आप आके सामने, मतलब अच्छे से पॉली में रैप करके कोकोपीट और सॉइल के साथ, बिल्कुल रबड़ के साथ डालकर, देन उसके ऊपर भी कागज़ का रैपिंग किया और पूरा एम्ब्रेस लिली का जो है, क्रीमम लिली का सॉरी, लीव के साथ भेजा है, और कोई कुछ डैमेज नहीं हुआ है उसके अंदर, और बल्ब के रूट सलामत हैं। अरम है, ये अरम के जो क्या कहते हैं उसको, लीव्स जो है ये थोड़े से येलो थे, लेकिन बाकी ऑल ओवर जो थे प्लांट काफ़ी अच्छे रिसीव हुए। कंडीशन बहुत अच्छी है और रूट बॉल के साथ है, तो बस ये सॉइल का जो इन्होंने बॉल रूट कवर करके भेजा है, इसको मुझे अपने रेडी पॉट के अंदर शिफ्ट करना है और कुछ नहीं करना, और वाटरिंग देनी है। और अभी इन्हें मुझे फुल शेड के अंदर इन्हें रखूँगी मैं 15-20 डेज, बिकॉज हीट वेव से मुझे इन्हें बचाना है, नहीं तो ये मेरा जो प्लांट है ये बर्न हो जाएंगे। बस उससे सेव रख लिया, फिर ये सर्वाइव कर जाएंगे, बिकॉज मानसून आने की हर जगह है उम्मीद कि मानसून शायद जल्दी आ जाए। तो फिर मैं 15-20 डेज़ के बाद जो है इसको धीरे धीरे सेमी शेड एरिया में निकाल के रखूँगी। ये सारे प्लांट जो मुझे मिले थे, 7-8 प्लांट थे, वो पॉट में शिफ्ट कर दिए, और बल्ब वाले जो भी प्लांट थे वो अलग पॉट में शिफ्ट कर दिए। इनकी अपडेट धीरे धीरे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।